हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रेस के साथ कान्हा जी के लिए पटका बनाएंगे। ये पटका मैंने काफ़ी हैवी बनाए। इस पटके में मैंने राउंड मोती और लटकन लगा के इस पटके को बनाया है। अपने अगले वीडियो में हम इस तरह की कैप बनाना सीखेंगे। ये कैप मैंने राउंड मोती, स्टोन चैन और हाफ पल से बनाया है। अपनी स्ट्रेस में मैंने पहले पैचेस बनाना बताए थे, फिर अपनी ड्रेस बनाई है, फिर मैंने फ्लावर बनाना बताया है। उसके बाद आज हम पटका बनाएंगे, अगले वीडियो में कैप बनाएंगे। इस ड्रेस के पैचेस, फ्लावर और ड्रेस, इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं। फिर आज हम इस तरह का पटका बनाएंगे अपनी ड्रेस का, फिर ये अगले वीडियो में कैप बनाएंगे। इस तरह ये हमारी ड्रेस कम्प्लीट हो जाती है। ये पटका बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम अब ये पटका बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस कंप्लीट होने के बाद, पूरी ड्रेस पहनने के बाद हमारे कान्हा जी बहुत सुंदर लगेंगे जन्माष्टमी के ऊपर। तो चलो हम इस पटका बनाना शुरू करते हैं। अब हम इस ड्रेस के साथ पटका बनाना सीखेंगे। इस ड्रेस के साथ पटका बनाने के लिए मैंने इस तरह की नेट ली है। ये नेट मैंने 1.5 इंच चौड़ाई की ली है। लंबाई हम कितना भी ले सकते हैं। इस नेट में मैंने बारीक बारीक प्लेटें डाल ली हैं। अब इस नेट के मैं 2 पीस कर लेती हूँ। इस तरह मैंने इस नेट के 2 पीस कर लिए हैं। अब आगे की तरफ पटके की तरह आगे तरफ लगाने के लिए मैंने इस तरह की लटकन की 2 रो बना ली। एक लटकन के अंदर मैंने इसमें 13 लाइनें लगाई। तो अपनी ड्रेस में भी हमने लटकन बनाई थी, अपनी ड्रेस में मैंने यहाँ पे राउंड मोती 10 नंबर का लिया था। इस ड्रेस में मैंने ये 8 नंबर का मोती लिया है और इसमें मैंने 13 लाइनों को बना के यहाँ पे इस तरह से गांठ से एक साथ गांठ लगा लिया, जिससे ये सभी एक साथ हो गई थी। हमारी ये एक लटकन बन जाती है। अब हम जो हमने नेट ली थी, इस नेट के अंदर इस तरह से इस लटकन को लगाते हैं और हम धागे से इसे बांध देते हैं। इस तरह इसको राउंड कर लेते हैं और इसे हल्का सम फेविकोल से या ग्लूगन से भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे धागे से इसे टाइटली बांध देती हूँ। इस तरह हमारी एक तरफ की तैयार होगी, ऐसी हम दूसरी तैयार कर लेते हैं। इस तरह हमने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब इसके जो ऊपर एक्स्ट्रा धागा रहता है इसे हम कट कर देते हैं, क्योंकि नीचे हमारी नोट लगी हुई रहती है, इसलिए निकलने का कोई डर नहीं रहता है। इस तरह हम दूसरे साइड के भी कट कर देते हैं। इस तरह हमारी 2 लटकन तैयार हो जाती हैं। हम अपना पटका बनाने के लिए इस तरह के मोती लेते हैं। तो मैंने सुई में 4 लड़ धागा पिरो लिया है, जिससे हमारे पटके में मजबूत रहे थोड़ा, नहीं तो आप मोटा धागा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 4 लड़ धागा डाल लिया है। यहाँ पे हमारे नोट रहती है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो इसके अंदर से हम अपने निडल को 2 या 3 बार डाल लेते हैं। तो इस तरह मैं डाल लेती हूँ। एक बार मैंने इसमें डाल लिया है, वापस से मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ और इसमें नीचे से इस तरह डाल देती हूँ, जिससे हमारे निकलने का डर नहीं रहता है। तो जो हमने नोट लगाई थी अपनी लटकन में, उसके बीच में से हम इसे इस तरह डाल लेते हैं। थोड़ा धीरे धीरे करके खींच लेते हैं, थोड़ा टाइट हो जाता है। खींचते समय ध्यान रख लेते हैं कि हमारी लटकन इसके साथ ना आ जाए। इस तरह हमारी नोट लग गई। नोट लगने के बाद हम इसमें सबसे पहले वाइट मोती डालते हैं, फिर हम इसमें रेड डाल लेते हैं, हमको जितना लंबा बनाना रहता है हम उतना लंबा बना लेते हैं। सॉरी, मैंने रेड डालना भूल गई मैं। इस तरह हमारा एक तरफ का हो जाता है। हम इसमें सेंटर में हम 2 गोल्डन वाले मोती पिरो लेते हैं, वापस से इधर इसी तरह से मोती पिरो लेते हैं। इस
से हमारा पटका बन जाता है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से अपनी से लटकन को सिल लेते हैं, और सिलने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ से थोड़ा सा फेविकोल से भी चिपका देते हैं, जिससे हमारा ये निकलने का भी डर नहीं रहता और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा धागा दिखता रहता है वो सफाई से चिपक जाता है। तो मैं दूसरी को भी दूसरी तरफ लगा लेती हूँ। दूसरे मैंने दोनों तरफ इसे बांध लिया है, चाहे तो हल्का सा या फेविकोल भी डाल के या फैब्रिक ग्लू भी डाल सकते हैं। हल्का सा फैब्रिक ग्लू डाल देते हैं तो जो हमारा एक्स्ट्रा वाइट धागा दिखता रहता है वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा दोनों तरफ डाल देती हूँ, इसे ड्राई हो जाने देते हैं। अभी तो ये दिख रहा है, ड्राई होने के बाद ये दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह ये हमारा पटका तैयार हो गया।